हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमन परमार फ्रॉम वी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रॉड अलर्ट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, हाई कमीशन का जो ट्विटर हैंडल है कैनेडा इन इंडिया, वहां पर उन्होंने ट्वीट किया है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसी कॉल आ रही हैं जिसमें क्लेम कर रहे हैं वो लोग कि ये कॉल है जो हाई कमीशन की तरफ से की जा रही है और आपने जो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक की थी उसका जो पेमेंट था वो डिपॉजिट नहीं हुआ या हमें रिसीव नहीं हुआ। आप उसको उस लिंक में, उन्होंने एक लिंक दिया, वो लिंक दे रहे हैं वो कि आप इस लिंक पे जाकर वो पेमेंट दोबारा से डिपॉजिट करवा दीजिए। हाई कमीशन ने जहाँ पर बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ऐसी कोई भी कॉल हाई कमीशन की तरफ से किसी भी बच्चे को नहीं की जा रही। अगर आपको जो आपके किसी फ्रेंड को ऐसी कॉल आ रही है या आई है तो आप उसको इग्नोर करें, उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप वेब फॉर्म के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो प्रोसेस था सेम एज इट इज़ प्रोसेस है। ऐसी बहुत सारी कॉल पहले भी एक फ्रॉड के रूम में बच्चों को मिली थी जब क्यूबेक के स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू कंडक्ट की जा रही थी हाई कमीशन की तरफ से। बहुत सारी जेन्युइन कॉल भी थी, बहुत सारे फ्रॉड कॉल भी बीच में आई। कोई भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई बहुत कंफ्यूजन रहा कि ये कॉल जेन्युइन है या ये फ्रॉड है। अभी जो हाई कमीशन ने क्लियर किया है कि ऐसी कोई भी कॉल बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए या बायोमेट्रिक की पेमेंट के लिए हाई कमीशन की तरफ से नहीं की जा रही। तो ऐसे बहुत सारे आगे, क्योंकि एक अभी ये ट्रेंड हो चुका है स्टार्ट, जिसमें कॉल्स का एक उनको प्रोविज़न मिल चुका है कि हम कॉल कर जो स्टूडेंट वीज़ा पे जिन्होंने अप्लाई किया है उनसे ऐसे कुछ पैसा वगैरह बटोर सकते हैं। उसके लिए अभी ऐसी आगे आने वाले समय में भी कॉल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर कोई भी कॉल ऐसी आती है तो हाई कमीशन की तरफ से कभी भी आपको ऐसी कॉल नहीं आएगी, तो आप उसको इग्नोर करें। अगर आपको ऐसी कॉल आई भी है तो आप अदर जो लोग हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ कम से कम हमें जैसे हम जैसे लोग जो वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर करते हैं, उनको इन्फॉर्म कीजिए ताजो जिन लोगों के पास वो कॉल जा रही है हम उनको अवेयर कर सकें और किसी बच्चे का कोई नुकसान ना हो सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताजो उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके जिन बच्चों ने कैनेडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जहाँ पर आपको हमेशा लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।